दोस्तों कैसे हो आप लोग, मैं हूं किशन और आप देख रहे हो सीजी टूरिज्म विद किशन। दोस्तों आज मैं अपने फिर एक नया वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें मैं आपको एक बहुत ही खास शख्सियत के घर लेके आया हूं। छत्तीसगढ़ में ये काफ़ी फेमस है देसी माइकल जैक्सन के नाम से, आप लोगों ने काफ़ी शायद यूट्यूब फेसबुक में इनका वीडियो वगैरह देखा होगा। आज हम लोग आए हैं फूल सिंह मंझवार जी के घर में, गोधना गाँव जो कि जांजगीर चांपा जिले में पड़ता है। ये एक्चुअली में इनको ख्याति मिली है देसी माइकल जैक्सन के नाम से। पिछले साल से काफ़ी इनका वीडियो वायरल हुआ था यूट्यूब पे फेसबुक पे, आप लोगों ने शायद देखा होगा। तो आज हम लोग इनके घर पे आ गए हैं, आप लोग को उनसे मिलवाएंगे, उनकी आर्थिक स्थिति, उनका जीवन अभी कैसे चल रहा है वो सब दिखाएंगे, और काफ़ी सारे शोज उन्होंने किए तो उसके बाद उनका क्या रिजल्ट निकला वो सारी चीज़ें हम लोग आपको इस वीडियो में बताएंगे। अगर वीडियो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोज आप लोग के लिए लेकर आते रहता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों अभी देख सकते हो हम लोग फूल सिंह जी के घर पे हैं। इनके घर पे पक्की छत भी नहीं है और बस जो कपड़े वगैरह लगा के ये लोग अभी जीवन यापन कर रहे हैं। और अभी जस्ट यहाँ आने से पहले पानी गिरा है, तो देख सकते हो फर्श में भी पूरा पानी आ गया है, तो काफ़ी दयनीय स्थिति है। और ये जो घर बना हुआ है ये अभी पीएम आवास योजना के तहत बना हुआ है, दो रूम का जैसे बनाते हैं। तो आप देख सकते हो दो ही रूम है इनके घर पे, एक ये वाला रूम है और एक ये वाला रूम है, जिसमें इनके साथ तीन लड़का और एक लड़की। अभी फ़िलहाल घर में फूल सिंह जी के सबसे छोटे बेटे हैं। का नाम है क्या सर? निकेश। निकेश नाम है। कौन सा क्लास में पढ़ता है? कौन सा क्लास में पढ़ता है? नहीं पढ़ा था सर। तो दोस्तों अभी हम लोग फूल सिंह मंझवार जी के घर पे हैं, आप लोग देख सकते हैं उनसे रूबरू हो सकते हैं, अभी उनसे कुछ सवाल पूछेंगे उनके जीवन के बारे में। तो भैया अभी जीवन कैसे चला था? बस ये इसने चला थे हाँ। पानी झक्कर के दिन है ना तो हम जा नहीं पाते नलते चलते काम का मजा तो घर में रहन के रिपेयरिंग करथन वही हम व्यवसाय। अभी अभर तुम्हारे मुख्य जीवनी कैसे चला थे, का काम करता मतलब? बस ये तो काम है, अब टीवी वो बनाते हूँ घर में पहुँचा देते हैं तेला हाँ। दुकान तो नहीं है हाँ। एक माध्यम से चला थे आपका जीवन यहाँ पर। अच्छा तुम्हार अगर शुरुआती जीवन के बारे में जाना तो तुम्हें कहाँ से आया? मैं तो खैजा के रह आया हूँ। खैजा? यहाँ हम और ससुराल। खैजा कोरबा जिला हाँ। वहाँ से यहाँ तुम आए हाँ। कितना साल हो गए यहाँ आए? बने साल हो गए, 22-25 साल हो गए। 22-25 साल से यहाँ रह रहे हैं। तो अभी मुख्य तुम्हार टीवी बना के तुम्हारे जीवन यापन चल। अच्छा ये जो डांस करेगी तुम्हार हवे हाँ। ये तुम्हार कब से हवे, कब से डांस करा था तुम? डांस तो ये रहे न शौक एक था हाँ। डांस है हाँ। कभू कभू नाच लेवल हाँ। दो दिन जो नाचे है वायरल हुई है तो इसने अकस्मात कर देवा हाँ। हम तैयारी में नहीं नाच रहे हाँ। और इसने गणेश विसर्जन के उपलक्ष्य में नाच रहे हाँ। तो लड़का मन खींच के ना हाँ। तो एक कर दिन हाँ। कभी ऐसे भाग ले के नहीं सोचा? अब छोड़ दे हैं वह जे घनील बनाए ना घर वाली बनाए ते घनील छोड़ दे जवाई ला पहली जात रहे शुरू शुरू चल दे अलग अलग प्रतियोगिता में जाके एक दो जगह गे गए रहे। तुमन एक बार हुनरबाज में भी गए रहा तो खर तुमन अनुभव बतावा का हुई सुमा? हाँ बुलावा आ रही उससे कह देवा मिथुन मन की तरफ से
धागे रहे ना बढ़िया ऑडिशन वो देहेन और सेलेक्ट वो सब हो गए कौन चैनल में दिखात रही से हम निगम पात है नाच कूद के आ रहे ना कछु कछु देहे है घलू दस्तखत वो करे है सब पेपर सेपर देहे है ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया तुम हाँ हाँ एलिमिनेट हो गया अब वो सोहा भी बंद हो गई Oh,